चाय का ठेला डेढ़ से दो साल चलाने के बाद ना मैंने अपनी दुकान ढूंढी उसी चाय के ठेले के पीछे, तो उसका वो कॉम्प्लेक्स बड़ा बुरा सा था, गंदा सा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, पर वो वहाँ पे किराया ना आधा था, मेरे को 10,000 रुपये महीने में वो दुकान मिल रही थी। और मैंने रिस्क ली कि ये कॉम्प्लेक्स तो बहुत बेकार है, मेरे में मेहनत इतनी मैं कॉम्प्लेक्स को चला दूंगा, मेरी दुकान मिल रही, क्योंकि मेरा चाय का ठेला खूब चलता था भैया। वो शटर जो थी शटर टाइट, शटर खुल नहीं रही थी, सालों से बंद था वो कॉम्प्लेक्स। तो एक काला सा बंदा आता है एक गाड़ी लेके, बिल्कुल काला सा, आयल वाइल लगा, और वो आयल लाता है और एक थैली लाता है, उसमें वो रहती है कुछ हथौड़ी वथौड़ी रहती है, ग्रीस रहता है, वो आता है और एकदम से आ जाता है और मेरे को बोलता है सर आपकी शटर नहीं खुल रही है, मैं इसको सही कर दूंगा। तो पहले जो शटर नहीं खुल रही थी उसने ठोका, ग्रीस लगाया, बोले सर अभी हाथ से ऊपर जा रही है, हाथ से नीचे जा रही। फिर दूसरे में क्या हुआ सर, ये हो गया सर, अब एक चिटी उंगली से ऊपर ले जाऊंगा, एक चिटी उंगली से नीचे ला दूंगा, 250 रुपये लिए उसने मेरे से, है ना, 250 रुपये लिए, कॉम्पिटिशन नहीं है उसमें। वो बोलता है सर 15 से 20 शटर रोज सुधारता है, 15 से 20 शटर, 250 का 20 से मल्टीप्लाई करो, 5,000 रुपये होता है महीने का, कितना हो गया, कितना हो गया, 1.5 लाख। MBA की सैलरी नहीं है पर तुम काम थोड़ी करोगे वो, क्योंकि तुम्हारा ईगो आ जाता है ना, तुमने आईफोन ये पहना है ना, ये कपड़े तुमने जॉकी की चड्डी पहनी है ना, तुमने मोजे वो पहने, तुम्हारा ईगो हट होता है। आप वो धंधा करोगे क्या? मैं उससे इंस्पायर होकर MBA चावला में और मेहनत करी मैंने कि ये बंदा 1.5 लाख रुपये महीने कमा सकता है, तो मैं चाय में नहीं कमा सकता 15 लाख 25 लाख। ये काम हमने ऑब्जर्व किया ही नहीं सर। छोटे छोटे गैरेज वाले लोग ना 50-60-80-90 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जो लोग सिर्फ गाड़ी की पंचर जोड़ने वाला कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा जाता है, 1,000 रुपये रोज के लिए जाता है। एक ऑटो वाला, हमने उनको जज किया कि ऑटो वाला है। मैं आपको बता दूं, चाय का ठेला चालू करने से पहले अरविंद भाई अहमदाबाद के 550 से 600 चाय वालों के मैंने इंडिविजुअल चाय पी, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस देश की प्रगति में जो लोगों का चाय वालों का सब्जी वालों का ऑटो वालों का योगदान है ना, वो किसी बड़े बिजनेसमैन का नहीं है। आपने वो एंटरप्रेन्योर है,